गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रीना चौधरी ब्लॉग्स में। और सुबह हो गई है और ठंड भी अब बढ़ रही है, और सुबह सुबह मैं जा रही हूँ गाजर का हलवा बनाने, और उसके बाद आज पिंकी आने वाली है, मोमो भी बनाऊंगी, लेकिन काम ख़त्म कर लूँ, नहा धो के वो कर लेती हूँ, सब काम ख़त्म होने के बाद दोपहर में हम लोग मोमो बनाएंगे। तो अभी चलते हैं गाजर का हलवा बना लेते हैं। तो ले लिया है मैंने गाजर, अब इसको कद्दूकस कर लेते हैं, धुलाई उलाई करके छील उल के अच्छे से। मैं अभी जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास, ये लोग को बैठे बैठे ठंडी में मम्मी ये बना मम्मी वो बना, अब मैं भी चली अपनी मम्मी के पास, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। अभी तो यहाँ बना के देना पड़ेगा श्रेयास को, पापा को, पर मैं मिलवाऊंगी सबसे आप लोगों को। फिलहाल तो मैं हलवा बना के लोगों को दे लेती हूँ, फिर नाश्ता भी बनाना है, उसके बाद मोमो की तैयारी करूँगी। मैं पहले मैं हलवा और हलवा बनाऊँ, हम लोग तो खा लेंगे, पर इनको रोटी सब्जी ये सब चाहिए होता है नाश्ते में, तो वो भी बनाना है, फटाफट कर लेते हैं, नहीं तो लेट हो रही हूँ मैं। तो रेडी हो चुका है हमारा गर्मा गर्म हलवा। चलिए श्रेयास को दे लेते हैं और मैं भी खाती हूँ। नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है, हो गया है। तो मेरे हाथ का मोमो खाना था, तो मैं बुलाई हूँ आज पिंकी को, और आज मैं जा रही हूँ बनाने मोमो। तो चलिए आप लोग को भी दिखाएंगे, और आज पूरे दिन मैं पिंकी के साथ रहूंगी और हम दोनों को एंजॉय करेंगे। आज घर में ही, आज बाहर नहीं जाना है। भाभी बहुत अच्छी मोमो बनाती है, तो मुझे आज बुलाया, तो मैं आ गई खाने के लिए। बिल्कुल। तो पिंकी चले, हम लोग तैयारी कर ले। हाँ ठीक है, तो हम लोग मिल के बनाएंगे मोमो और आप लोग को भी दिखाएंगे। चलिए फटाफट मोमो बनाते हैं और आज मोमो खाएंगे, उसके बाद हम लोग पिंकी के साथ रील्स भी बनाओगी। हाँ वो सही रहेगा, है ना। आज सैटरडे है, तो आज हम लोग का पिंकी का भी छुट्टी था और मेरा तो छुट्टी है। चलिए फिर चलते हैं। तो हम लोग तैयारी कर ले अब मोमो बनाने की, और फिर चलिए मोमो आज एंजॉय करेंगे, आप लोग को दिखाते हैं। मैंने तैयारी शुरू कर दी है, हम और पिंकी मिलके बनाएंगे मोमो आज। हाँ। मेरी सारी तैयारी हो गई है मोमो बनाने की, मैंने सारी चीजों को चॉप करके रख लिया है, और मोमो की चटनी दोनों एक साथ बना रही हूँ। तो ये रही चटनी की चीजें जो मैंने कट करके रख लिया है, ये हींग है जो चटनी में तड़का लगाने के लिए कड़ी पत्ते के साथ, ये है गोलमरीच का पाउडर जो ये मोमो का स्टफिंग जो बनेगा उसमें आने वाला है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं, लहसुन अदरक प्याज मिर्ची धनिया, और ये चीज़ भी पड़ेगा, ये है पत्ता गोभी गाजर, ये सारी चीज़ें मोमो, ये है चटनी का जिसमें से अदरक लहसुन मिर्ची कड़ी पत्ता तड़के के लिए प्याज और टमाटर, और देख लीजिए सारी, और ये रहा मैदा जिसको मैं नमक स्वाद के अनुसार डाल के 2-3 चम्मच तेल में इसका डो बना के 1 घंटे के लिए रख देती हूँ, और फिर मैं तैयार करके मोमो आपको दिखाती हूँ। उसके अलावा कुछ नहीं पड़ने वाला है, ये जितनी सारी चीज़ें डालनी थी मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रख लिया है, तो बनाते हैं फिर। तो देख लेते हैं मोमो हमारा हो चुका है ये हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं पिंकी। बेटा इसको पकड़ो, तो चीज मोमो हमारा रेडी हो चुका है, अब चलिए सर्व कर लेते हैं। ये पिंकी इसमें से प्लेट निकालो बेटा, मैं और पिंकी दोनों, हाँ यही सही है, इसमें चटनी के लिए भी, हाँ एक और प्लेट निकालो बेटा, तो हम लोग अब सर्व करेंगे। हाँ ये पिंकी इस वाले पे आ बेटा, वो वाला हटा दो। तो अब हम लोग सर्व करेंगे मोमो, चटनी तो मैं बना ली हूँ, फाइनली मोमो इज रेडी रेडी। तो पिंकी सर्व करो अच्छे से, ये बहुत अच्छे रेडी हो चुके हैं, अब लगाते हैं चटनी। तो देखिए गाइस, चटनी का टेक्सचर जो है कितना कितना कलरफुल है।
मोमो हम रेडी कर चुके हैं, सर्व कर चुकी हूँ मोमो। ज्यादा तीखा लग रहा है? नहीं, अच्छा हुआ। ठीक है ना? टेस्ट कैसा हुआ? बहुत अच्छा टेस्ट हुआ। तब पिंकी फिर कब आओगी? अब पिंकी जा रही है अपने घर, फिर जब आप बुलाएंगे फिर आऊंगी। ब्लॉग बनाने चलेंगे कहीं। और आज हम लोगों ने मोमो खाया। हाँ। और अभी पिंकी चीज मोमो, अभी पिंकी को घर में भी पिंकी का कोई आने वाला है। आज मेरे घर पे भी गेस्ट आएंगे तो गाइस तो जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा और टाइम रहते तो और मजा आता, और मजा आता। तो पिंकी जा रही है, फिर मिलेंगे पिंकी। हाँ। है ना? हाँ। बाय बाय। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।